WEP4 के बोगी को अगर आइसोलेट करना हो तो उसको हम कैसे करेंगे, हम इसको इस वीडियो में जानते हैं। तो आइए हम बताते हैं, ये है WEP4। इसके बोगी को आइसोलेट करने पर ब्रेक रिलीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे कैब 1 के ALP साइड से उतर के ये हमारा ब्रेक सिलेंडर 1 है, ये ब्रेक सिलेंडर 2 है और ये ब्रेक सिलेंडर 3 है। ब्रेक सिलेंडर 3 के ठीक ऊपर देखने पर एक कटआउट कॉक है, इसको अगर हम ओपन करें तो ऐसा आवाज़ आएगा और ब्रेक रिलीज हो जाएगा, ये पिस्टन अंदर की तरफ चला जाएगा। उसी प्रकार से WEP4 के बोगी नंबर 2 को आइसोलेट करने के लिए कैब 2 के ALP साइड से उतरकर ब्रेक सिलेंडर 1, ब्रेक सिलेंडर 2 और ब्रेक सिलेंडर 3 के ठीक ऊपर एक कटआउट कॉक दिया हुआ है, जिसको BIC 2 बोलते हैं। BIC 2 को ऑपरेट करके इसको ओपन करना होगा। ये रहा BIC 2 को, इसको ऑपरेट करने पर धीरे धीरे करके कुछ देर में इसका अंदर चला जाएगा, तो ब्रेक हमारा रिलीज हो जाता है। ये देखिए ब्रेक रिलीज हो रहा है, पिस्टन अंदर की तरफ जा रहा है। इसी प्रकार से सारे जितने पिस्टन हैं सारे के सारे अंदर चले जाएंगे और ये पूरी तरीके से अंदर हो जाने के बाद हम समझ जाएंगे कि ब्रेक रिलीज हो गया और बोगी आइसोलेट हो गया। अगर हम फिर से इसे ओपन कर देते हैं तो हमारा बोगी आइसोलेट नहीं रहेगा। इसको ओपन कर देने के बाद ब्रेक हमारा तुरंत अप्लाइड हो जाएगा और पिस्टन बाहर की तरफ आ जाएगा। थैंक यू।